विश्व भर में कोरोना के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और विश्व में आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है। चीन के वुहान शहर से निकले कोविड-19 ने कहर बरपा रखा है। तमाम देश इसकी चपेट में हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी शक्ति भी कोरोना से कराह उठी है। लाखों लोग अब तक मौत के मुँह में जा चुके हैं। वहीं भारत में भी कोरोना के कहर से अब तक हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं। कई लोग कोरोना से मर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 14 दिन के लॉकडाउन के बाद अब इसे 3 मई के लिए बढ़ा दिया गया है और देश के हर एक नागरिक से सहयोग की अपील की जा रही है और उन्होंने पीएम केयर्स फंड में सहयोग की अपील देशवासियों से की है। इसी के चलते पूंजीपति, व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियाँ और बॉलीवुड के कई सितारे और सामाजिक संस्था के लोग आगे आए और पीएम केयर्स फंड में देश के प्रति आर्थिक योगदान दे रहे हैं। इन्हीं को देखकर और प्रधानमंत्री के आग्रह को सुनकर दिल्ली के मांगेराम पार्क के एक 9 साल के बच्चे लोकेश शर्मा ने भी कोरोना संकट की घड़ी में अपनी गुल्लक ही राहत कोष में दे दी। इस गुल्लक में से तकरीबन 5,000 रुपये थे और 5,100 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा करवाए गए। ये जो कोरोना वायरस मेरे देश में आया है और कई बार मैंने टीवी में भी सुना है कि कई लोग इसे मर रहे हैं और मैं अपनी गुल्लक श्री नरेंद्र मोदी जी को गुल्लक देना चाहता हूँ। किस लिए देना चाहते बेटा? मैं अपनी गुल्लक इसलिए देना चाहता हूँ कि ये इन पैसों से इस बीमारी की वो दवा बना सके। पिता सुरेंद्र शर्मा और लोकेश की दादी व मां ने बताया कि लोकेश 2 साल से यह पैसे गुल्लक में इकट्ठे करता था और किसी को उस गुल्लक को छूने तक नहीं देता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी और देश के हालात देखे तो उसने यह पैसे पीएम केयर्स फंड में जमा करने की इच्छा जताई और जिसके बाद गुल्लक तोड़ी गई तो 5,000 रुपये तकरीबन उसमें थे, जिसके बाद पेटीएम द्वारा यह पैसे 5,100 रुपये जमा करवा दिए गए। जैसे यो मरीजा की सेवा करना चाहे है कोरोना से, वायरस से, ये तो ये और भी बच्चे करें इसके देखें। प्रधानमंत्री वो देना चाहते मेरे बेटा और इसकी कई, जब से ये वायरस चला है तब से न्यूज देखता था, ये रोज घर पे बैठ के इसकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। मेरे बेटे की इच्छा यही थी कि मैं अपनी ये गुल्लक तोड़ के मम्मी मैं प्रधानमंत्री जी को दे सकता हूँ। मैंने कहा बेटा दे दो तुम्हें। देश में कोरोना का संकट बेशक है लेकिन देशवासियों में उससे लड़ने का जज्बा भी है और लोगों के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज और विश्वास है कि बच्चे भी उनकी बातें मान रहे हैं और समझकर इस विश्व आपदा के दौर में देश के लोगों की सहायता की इच्छा रखते हैं, वे वाकई में काबिले तारीफ है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।